नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। एक दफा फिर से जो है कांग्रेस और बीजेपी में जो सियासी खींचातान है वो शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी ने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी की आलाकमान से उनके खुद के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है और कहीं ना कहीं पार्टी में जो है एक मुखालफत जो है उसका भी आगाज हो चुका है। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर बीजेपी के नेता और जो है फॉर्मर डिप्टी सीएम जो है जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता मौजूद हैं। कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। धन्यवाद कविंदर जी। अब बीजेपी ने जिस तरह से कहा है कि कुछ लीडर जो है कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता जिनमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम है वो सफोकेशन फील कर रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी के बहुत कुछ ऐसे नेता हैं जो अब खुश नहीं है पार्टी से अपनी? देखो, कांग्रेस में नेहरू से लेकर के आज तक कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन नहीं किया गया जी। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में जिस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं और सर्वसहमति से या आपस में बात करके किसी भी को भी अध्यक्ष बनाया जाता है नीचे से लेकर, कांग्रेस में सिर्फ गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल जैसे नेता ही इस वक्त वो फील नहीं कर रहे हैं। सभी नेता कर रहे, कुछ खुल के बोलते हैं, कुछ खुल करके नहीं बोलते। आने वाले समय में इसी प्रकार का हाल रहा तो कांग्रेस खत्म होने वाली है, टूटने वाली है। कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा और जिस प्रकार से तानाशाही का दौर जो चल रहा है जी कांग्रेस में जी, उससे कभी भी पार्टी सरवाइव नहीं करेगी। तो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए कि ये जो गुलाम नबी आजाद जिसने जी एक बार बोलने की कोशिश की उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता नहीं कि ये सिलसिला चल पाएगा। चलते ही ये शुरू से बढ़ती आई है और नया एक इसमें बंटवारा होने वाला है, इसकी चीज की उम्मीद करनी चाहिए हमें। आपका मानना है कि जो गुलाम नबी आजाद है उसकी आवाज को दबाया गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 6 महीने के बाद उनके प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शन होंगे और वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। आप इस बात को मानते हैं या आपको लगता है केवल ये बेमानी है? ऐसे में राहुल गांधी या सोनिया गांधी या गांधी फैमिली से ही कोई होगा इसमें? देखिए, समय आने दीजिए, 6 महीने भी बहुत दूर है, क्या होने वाला है 6 महीने में। अगर नहीं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाते हैं, देखिए यहाँ कितनी यहाँ के गुट बनने वाले हैं। और इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये जो चमचागिरी वाला साइकोफेंसी वाला कभी छोड़ सकती है। बहुत से नेताओं को ऐसों को पैदा किया जाएगा जो वही आवाज उठाएंगे कि गांधी खानदान से ही किसी को बनाया जाए। आप समय आने दीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता क्या। अच्छा, श्यामलाल शर्मा जब कांग्रेस से आए बीजेपी में, अब ये भी सोशल मीडिया पे अटकलें देखने को मिली हैं कविंदर जी के गुलाम नबी आजाद भी आ सकते हैं बीजेपी में, क्या कुछ बातचीत हुई है इनसे? देखिए, वो अपनी इच्छा तो जाहिर करें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। उनको अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए। अगर वो वहां से महसूस करते हैं तो देखा जाएगा हमारी नेशनल लीडरशिप क्या कहती है। वो ये निर्णय अधिकार लेने का उन्हीं का है और ये वही कर सकते हैं। अच्छा, अगर इच्छा करेंगे गुलाम नबी आजाद तो बीजेपी तैयार है उनको लेने के लिए? देखिए, ये जो ये प्रेरोगेटिव है ये नेशनल लीडरशिप का है, वही हो सकते हैं। ये कोई स्टेट लेवल पर हमारी सोच नहीं है, ये जो भी होगा केंद्र करेगा। अच्छा, केंद्र के जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल राम माधव जी कल श्रीनगर गए थे, क्या लक्ष्य क्या था उनका श्रीनगर में, क्या उन्होंने मीटिंग भी की है, किस तरह से जो है सियासत को आगे ले जाएंगे कश्मीर घाटी में जिस तरह से पीछे हमले हुए हैं बीजेपी लीडर्स के ऊपर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को एविडेंस द्वारा निशाना बनाया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे समय पर चर्चा करने के लिए राम माधव जी हमारे ये इंचार्ज हैं, वो इसलिए आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को देखने के लिए क्या चल रहा है उसके बारे में। उनकी समय समय पर उनका आना रहता है। मुझे लगता है कि जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर
कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो निश्चय है कि हमारी हाई कमान ने भी ये कह दिया है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार रहो, और हमारे बूथ लेवल तक पहले से ही काम चल रहा है और हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है। अभी सारी बाकी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां समंजस में है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन हमारी तैयारी है इसी कामकाज चाहे कोरोना काल में ही हर व्यक्ति तक पहुंचना, पार्टी की कार्यकुशलता रही। तो और भी जब भी कोई लोगों से जुड़ी मसले हो रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको सीरियसली लेता है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ नेताओं से संपर्क किया गया है, राम माधव से मिलने के लिए कहा गया है, क्या सच्चाई है इसमें? ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये राम माधव जी ही बता सकते हैं जी। तो आप मानते हैं कि सभी पार्टियों से जो है कोई भी नेता आना चाहे बीजेपी में तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? देखिए वो पार्टी हाईकमान तय करता है, हमारा कोर ग्रुप तय करता है, उसी में बैठ करके बात हो सकती है। पहले कोई इच्छा जाहिर करे, मैंने पहले ही कहा कोई इच्छा जाहिर करे उसके बारे में। जी जी कविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वक्त इंडिया के साथ जुड़े। तो जिस तरह से कविंदर गुप्ता बीजेपी के सीनियर लीडर्स में आते हैं, इनका कहना है कि कोई अपनी इच्छा जाहिर करेगा बीजेपी में आने के लिए तो बीजेपी आलाकमान है उस पर सोच सकती है, उससे निर्णय ले सकती है। और गुलाम नबी आज़ाद पे भी उन्होंने ये कह दिया, एक संकेत दिया है कि बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, सिर्फ वो अपनी इच्छा जताएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।